सर्दियाँ इंजॉय हो रही हैं। खैर इस बार सुना ठंड बड़ी पड़ रही है नॉर्थ इंडिया में। अब भैया हमारे पास बम्बई में सर्दी तो पड़ती नहीं है, लेकिन सर्दियों वाली गाजर ज़रूर आ जाती है। अबे गाजर है बढ़िया चीज़, मतलब सर्दियों में ही आती है बस, ताकि सर्दियों में इसकी बढ़िया बढ़िया चीज़ें इंजॉय हों। डिशेज की तो लाइन लग जाती है, गाजर का हलवा, गाजर मटर की सब्जी और ना जाने क्या क्या। मतलब मेरे बच्चों को तो पाव भाजी इस गाजर से बनी हुई ना बहुत पसंद है, क्योंकि ऑब्वियसली मीठी होती है। लेकिन आज ना मैं इस गाजर का कुछ और बना रहा जो आप सर्दियों में भी खा सकते हैं और सर्दियों के बाद भी। जानते हैं क्या? नहीं जानते? हम बनाने जा रहे हैं हमारी माता जी की फेवरेट रेसिपी, जिसका नाम है गाजर गोभी शलगम अचार। मतलब वाली फीलिंग आ रही है, मम्मी को फोन लगाया जाए। चलो मम्मी को फोन लगाते हैं, मम्मी जी बताएंगी रेसिपी बिल्कुल सही से। अब स्टाइल देखना मम्मी का। हाँ जी बेटा। हाँ जी मम्मा, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग माय डियर। कैसे हो? मैं ठीक हूँ बच्चा। मजाक की बात बताऊं? हाँ। आपसे लास्ट ईयर जो गाजर गोभी शलगम की रेसिपी पूछी थी, वो फिर भूल गया। भूल गए। कोई बात नहीं, माँ जब तक जिंदा है जब तक बता सकती है। नहीं नहीं, हमने एक और आइडिया सोच लिया। हमने सोच लिया कि इसको आज आपकी शक्ल के साथ ना इसको रिकॉर्ड कर दिया जाएगा, ताकि बाकी लोग जो देखना चाहते हैं वो भी देख लेंगे और अगले साल मैं भी सीख लूंगा वापस से, तो जरूरत नहीं पड़ेगी। अब एक बार जरा फटाफट बता दो कि कैसे बनाना है। ओके। हाँ जी, तेल सरसों का। हाँ जी, सरसों के तेल में ही, उसमें ही अच्छा फ्लेवर आता है। हाँ जी, अब आपकी अचार की रेसिपी पूरी दुनिया में पहुंचने वाली है। हाँ ठीक है बेटा। ओके मम्मा, बाय। ओके बाय, आई आल्सो लव यू, बाय। अब अचार की सब्जी ना अचार के अंदर पकेगी नहीं, इसे हल्का सा पकाना पड़ेगा, ज़्यादा भी नहीं तो बहुत गल जाएगी, मैशी हो जाएगी। तो उसके लिए इन सारी सब्जियों को 1 से 1.5 मिनट उबलते पानी में बॉयल। अब बॉईल करने से पहले थोड़ा सा नमक। अब इन सारी सब्जियों को 1 मिनट के लिए उबालना है। अब ये सब्जियां जो है ना, इनकी प्रोपोर्शन आप देख लीजिए, गोभी और शलगम एक बराबर और गाजर उनसे दुगने, क्योंकि गाजर जो है ना वो ज्यादा होते हैं, वो गाजर पतले हैं, कहीं ना कहीं वो एकदम बिल्कुल बढ़िया से मिक्स हो जाएंगे। सब्जियों को 1 से 1.5 मिनट तक उबालना बहुत जरूरी है, बिकॉज अचार में वो गलेंगी नहीं, तो ये वाला स्टेप इंपॉर्टेंट है। अब ये तैयार है निकलने के लिए। पानी पूरी तरह से ड्रेन हो चुका है, पूरी तरीके से पानी निकालना बहुत जरूरी है। अब जितनी भी नॉन पंजाबी औरतें हैं जिन्होंने अचार बनाया ना, उन्होंने कहा देखो शेफ आपने गलती कर दी, शेफ पानी में आपने कैसे डाल दी सब्जी को, मतलब पानी आ जाएगा अचार में तो अचार खराब हो जाएगा। यस आई नो, बट कि इस सब्जी को सुखाना है प्रेफरेबली धूप में 5 से 6 घंटे। सर्दियों की जो भीनी भीनी धूप होती है ना, जो सुबह निकलती है 12-12.5 बजे और शाम को 4 बजे तक गायब, उतना बहुत है। अगर धूप नहीं आ रही है तो पंखे में सुखा लो, पंखे में भी उतना ही टाइम लगेगा, लेकिन सूखना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए एक कपड़ा लीजिए, कपड़े के ऊपर इसे फैला दीजिए। अब इसे पंखे में ना आराम से सुखा दीजिए, 3 से 4 घंटे सूखना बहुत जरूरी है। मैं आगे के स्टेप्स आपको समझाता हूं। तो अब जी नेक्स्ट स्टेप है सिरका, यानी कि विनेगर, सिंथेटिक विनेगर, मॉल्ट विनेगर, एप्पल साइडर विनेगर, जो भी विनेगर जरूरी है खटास के लिए। और यह है गुड़, कम से कम 2 बड़े चम्मच, मतलब बड़े, मम्मी कहती है 1 किलो सब्जी में करीबन 150 ग्राम गुड़ और उतना विनेगर जितना उसे सोक कर ले। अब बनाएंगे उसका मसाला, और मसाला बनेगा जी सरसों के तेल में। जलाना बहुत जरूरी है, क्योंकि सरसों के तेल को अगर आप जलाओगे तो बहुत हार्श स्मेल छोड़ जाएगा। सो करीबन 100 ml तेल,
चलिए अब ये अच्छी तरह से धुएं मारेगा। जब धुएं मारेगा तो आंखों से आंसू निकलते हैं, वो इसलिए क्योंकि सरसों का तेल या कच्चा तेल या कड़वा तेल जो होता है ये बहुत ज़्यादा शार्प यानी कि पंजेंट होता है। अब इसकी पंजेंसी निकालनी है, मतलब वो जो मिर्ची होती है ना इसकी, वो निकालनी है, क्योंकि अचार में एक बढ़िया सी सौंधी सी खुशबू जरूर आनी चाहिए लेकिन वो कड़वाहट नहीं आनी चाहिए। अभी गर्मा गर्म तेल में 3 चम्मच बड़े वाले जिंजर गार्लिक पेस्ट, अब डालेंगे इसमें देगी मिर्च पाउडर 3 चम्मच और साथ में डालेंगे गरम मसाला, नमक, नमक पहले भी जा चुका है तो इसलिए नमक ध्यान से। अब आई बारी जी दूसरे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट की, जिसका नाम है राई। अब ये राई है ना, ये पीली वाली राई है मेरे पास, आपके पास लाल वाली छोटी राई है तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हो, काली राई नहीं, मतलब काली जो सरसों होती है ना वो नहीं, वो कड़वी हो जाती है, ये खट्टा करेगी, और पीली राई और लाल राई दोनों खट्टा करती हैं, तो मेरे पास ही पीली राई का पाउडर। अब पीली राई के पाउडर जाएंगे जी 2 बड़े चम्मच। ओके, अब गैस को करो ऑन वापस से और इसको पका लो जी, और पकाने का मतलब ये है कि 2 से 3 मिनट बस। अब जाएगा जी गुड़ और विनेगर, अचार का जो मसाला होता ना चटपटा होना चाहिए, यहाँ पे चटपटा भी है, खट्टा मीठा भी है, और हल्की सी वो मिर्च और गरम मसाले का जो फ्लेवर है ना, ओह मसाला तैयार है बिल्कुल। अब इंतज़ार किस बात की, जो सब्जियाँ सुखाई है ना इसमें 1 से 2 मिनट तक पका लो, तैयार। एक्चुअली में तैयार मतलब ज़्यादा कुछ करना नहीं है, कल सुबह ये पराठों के साथ खाने के लिए बिल्कुल तैयार होगा। ऐसा अचार है ही नहीं कि भैया 1 महीना धूप में सुखाओ फिर अचार बनेगा, ना 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 ना, सर्दियाँ खत्म होने से पहले तो इन्जॉय करना है ना आपको, मतलब अभी तो ऑलरेडी जनवरी आ गई है, फेब मार्च तक बढ़िया इन्जॉय करो, सर्दियाँ जाने से पहले एक और बार बना लेना सही में। अब ये सूखी हुई सब्जियाँ, वैसे ऐसे सूखी हुई मतलब पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए, पानी हुआ तो खराब हो जाएगी, समझ रहे हैं। अब अगेन इसे 2 से 3 मिनट तक इस मसाले में सिर्फ हल्का सा पकाना है। अब ये गाजर गोभी शलगम, कई बार मम्मी इसमें मटर भी डाल देती थी, अब ये वाली जो चीज़ें हैं ना इनको इस बढ़िया से लिक्विड में 2 से 3 मिनट तक पकाना है। ज़्यादा पका देंगे तो सब्जी बन जाएगी, अचार नहीं बनेगा, और कम पकाएंगे तो फिर वो कच्ची रह जाएगी, मतलब हल्का सा क्रंच रहना चाहिए। बस अब नमक को अच्छे से मिक्स किया, खटास विनेगर से भी आएगी और राई के दाने से भी आएगी, और मिठास गुड़ की है। अब इसमें जो सरसों का तेल है वो इसे बचा के रखेगा, मतलब प्रिजर्व करेगा। अब प्रिजर्वेटिव के नाम पे आप नमक, खटास, मिठास और ऑयल अगर कहीं भी डाल रहे हैं तो वो चीज़ लंबे समय तक चल सकती है। दिस इज़ वॉट इज़ कॉल्ड पिकलिंग। अब अंग्रेज़ों ने इसका नाम पिकलिंग करा, बट अचार तो हमारे अचार संहिता से भी पहले से बन रहे हैं, मतलब आप अचारों की हिस्ट्री तो भूल जाओ, मतलब अचार जो है हर राज्य, हर प्रांत, हर जिले, हर गांव में अलग बनते हैं। अब इसे बढ़िया से एक मर्तबान में निकाल दिया जाए। अब इसे डालेंगे बर्नियों में, अब बर्नी चाहे मिट्टी की हो चाहे कांच की, इन्हें अच्छे से सुखा लो और फिर अचार इसमें डालना है। लेकिन कब, अचार को पहले थोड़ा सा ठंडा होने दो, ठंडे अचार को मर्तबान में डालना है, गरम अचार को कभी नहीं डालना। पॉइंट टू बी नोटेड मी लॉर्ड, गरम अचार डाल देंगे फिर भाप से पानी बनेगा और पानी फिर से दुश्मनी करेगा, तो हमें दुश्मनी नहीं प्यार बांटना है, समझ रहे हैं। ठंडा कर, ठंडा हो चुका है, नाउ रेडी टू गो इनटू द जार।